सो हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं डॉम सब्जेक्ट, दैट इज डायनामिक्स ऑफ मशीनरीज, है ना। तो मैकेनिकल का फिफ्थ सेम का सब्जेक्ट है ये। तो इसमें गवर्नर चैप्टर देख रहे थे हम लोग, तो पोर्टर गवर्नर के प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने, हार्टनेल गवर्नर के भी प्रॉब्लम देखे हम लोगों ने, प्रॉब्लम नंबर वन देखा हम लोगों ने, उसमें बेसिक्स भी देखा हार्टनेल गवर्नर का क्या होता है। आज प्रॉब्लम नंबर टू देखेंगे हम लोग हार्टनेल गवर्नर का, है ना। तो चलो प्रॉब्लम का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। प्रॉब्लम का स्टेटमेंट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप लोग भी पहले स्टेटमेंट पढ़ लो, क्योंकि स्टेटमेंट से हमको सब समझ में आएगा। ओके, चलो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, इन अ स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल टाइप गवर्नर। आपने को पता है हार्टनेल गवर्नर क्या होता है, स्प्रिंग लोडेड होता है, उसमें स्प्रिंग होता है ना। तो स्प्रिंग लोडेड हार्टनेल टाइप गवर्नर, द एक्सट्रीम रेडियस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉल्स आर 80 mm एंड 120 mm। एक्सट्रीम रेडियस मतलब R1 और R2 की वैल्यू दिया है उसने, है ना। तो R1 की वैल्यू कितना दिया है, R1 80 है और R2 कितना है 120 है। साथ में हम लोग गिवन डाटा भी लिख देंगे इधर, R1 इज इक्वल्स टू 80 mm, है ना। तो मीटर में कितना हो जाएगा, 0.08 मीटर, और R2 दिया है 120 mm, तो मीटर में हो जाएगा ये 0.12 मीटर, राइट। अब देखते हैं आगे पढ़ते हैं और क्या क्या दिया है हम लोग को। देखो, द बॉल आर्म एंड द स्लीव आर्म ऑफ द बेल क्रैंक लीवर आर इक्वल इन लेंथ। देखो मतलब क्या दिया है, एक्स और वाई, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कैसी है, सेम है, है ना। अपना हार्टनेल गवर्नर के आर्म्स कैसे होते हैं, ऐसे होते हैं ना, ये ऐसा आर्म्स होता है, इधर किधर एक्सिस रहेगी, है ना। ये बेल क्रैंक है, ये 90 डिग्री का एंगल रहता है ना, और यहाँ पे किधर ये फ्लाइंग बॉल रहेगा इधर, है ना, ये फ्लाई बॉल इधर रहेगा, फ्लाई बॉल मास इधर आएगा, स्लीव का मास इधर आएगा, राइट। तो ये जो होता है, ये क्या होता है, ये होता है हमारा वाई, और ये क्या होता है, ये होता है हमारा एक्स। ये एक्स होता है और ये वाई होता है, राइट। मतलब द लेंथ ऑफ फ्लाई बॉल, है ना, वाई, और लेंथ ऑफ जो स्लीव आर्म का जो लेंथ रहता है उसको वाई बोलते हैं, और फ्लाई बॉल का जो आर्म का लेंथ रहता है उसको एक्स बोलते हैं। तो एक्स और वाई दोनों की वैल्यू कैसे दिया, वो क्या बोल रहा है, वो इक्वल है, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है। और क्या दिया है, आगे देखते हैं हम लोग, आगे पढ़ते हैं और क्या दिया है, आर इक्वल इन लेंथ, द मास ऑफ ईच बॉल इज 2 kg। मास ऑफ बॉल मतलब क्या था, स्मॉल एम, स्मॉल एम का वैल्यू कितना है, 2 kg। उसके बाद देखो, इफ द स्पीड एट द टू एक्सट्रीम पोजिशंस आर 400 and 420 rpm, है ना। तब एक्सट्रीम पोजिशन मतलब क्या दिया, n1 और n2 के वैल्यू दिया है ना। n1 कितना है, 400 rpm, राइट, और n2 कितना है, n2 है 420 rpm। ओके, और कुछ दिया क्या, नहीं दिया। अभी पूछे हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए, सब में पहले तो बोला इनिशियल कॉम्प्रेशन ऑफ द सेंट्रल स्प्रिंग, इनिशियल कॉम्प्रेशन। अभी इनिशियल कॉम्प्रेशन क्या होता है, इनिशियल कॉम्प्रेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो इनिशियल कॉम्प्रेशन का फॉर्मूला है हमारा S1/S। अभी एस क्या होता है, एस होता है स्टिफनेस, है ना। और दूसरा क्या पूछा है, द स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना, स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ये स्टिफनेस एस, स्मॉल एस निकालना है, है ना, ये स्मॉल एस का वैल्यू निकालना है और इनिशियल कॉम्प्रेशन भी निकालना है, ये दो चीजें निकालना है अपने को। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो राइट साइड में मैंने फॉर्मूलेस भी सब लिखा है, ये सारे फॉर्मूले हम लोग को यूज होते हैं हार्टनेल गवर्नर के, ना इसके अलावा कोई फॉर्मूला ज्यादा यूज नहीं होगा, सिर्फ यही रहेंगे बेसिक फॉर्मूले। तो सबसे पहले FC1 सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट बॉल, है ना, इन कंडीशन नंबर वन, है ना। FC1 क्या रहेगा, m(ω1)² (R1), है ना। FC2 क्या रहेगा, m(ω2)² (R2), है ना। अब ये देखो, ये रिलेशन है, ये रिलेशन से हमको एस की वैल्यू मिल जाएगी। अगर S1 रहेगा यहाँ पे, अगर S1 रहेगा तो ये FC1 रहेगा, अगर यहाँ पे S2 रहेगा तो ये FC2 रहेगा, अगर S1 रहेगा तो यहाँ पे माइनस रहता है, अगर S2 रहेगा तो यहाँ पे प्लस रहता है। ओके, और ओमेगा, ओमेगा कैसे निकालेंगे, ω1 2π n1/60, ω2 2π n2/60, राइट। और H का ये रिलेशन है, H इज इक्वल टू क्या रहेगा, R2 - R1 × y/x, है ना। वायर एक्स क्या है पता है अपने को, R2 R1 क्या है, रेडियस, एक्सट्रीम रेडियस, n1 n2 क्या है, एक्सट्रीम स्पीड्स, है ना। इनिशियल पोजीशन की स्पीड n1, फाइनल पोजीशन की स्पीड n2, और h क्या होता है, h मतलब स्लीव की लिफ्ट, है ना, लिफ्ट ऑफ स्लीव, है ना, स्लीव कितना लिफ्ट हुआ है ऊपर वो,
और एस क्या होता है, एस स्प्रिंग कॉन्स्टेंट बोलो या कॉन्स्टेंट बोल सकते हैं, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग, है ना। और एस टू एस वन क्या होता है, एस वन मतलब इनिशियल लोड ऑन द स्प्रिंग और एस टू मतलब क्या है, फाइनल लोड ऑन द स्प्रिंग। और ये इनिशियल कॉम्प्रेशन फाइनल कॉम्प्रेशन का फॉर्मूला होता है एस वन बाय एस और एस टू बाय एस। ओके, तो ये सब फॉर्मूले भी क्या क्या है हम लोगों ने देख लिए, किसको क्या बोलते हैं वो भी देख लिया। अभी चलो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन का पार्ट, है ना। तो सब में पहले क्या निकालेंगे, सब में पहले हमारे पास एन वन एन टू है, हम लोग ओमेगा वन और ओमेगा टू की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। तो चलो ओमेगा वन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला हमारे पास, ओमेगा वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टू पाई एन वन अपॉन 60, दैट इज टू पाई इंटू एन वन की वैल्यू कितनी है 400, है ना, डिवाइडेड बाय 60। यहां से हम लोग को ओमेगा वन की वैल्यू मिल जाएगी, देखते ओमेगा वन की वैल्यू कितनी आ गई, 41.9, कितना आ गया 41.9। यूनिट क्या है इसका, रेडियन पर सेकंड, है ना, एंगुलर स्पीड है, रेडियन पर सेकंड में आएगा। अब एन ओमेगा टू, ओमेगा टू के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, टू पाई एन टू अपॉन 60, दैट इज टू पाई एन टू की वैल्यू कितनी है, एन टू की वैल्यू है 420 अपॉन 60। यहां से हम लोग को ओमेगा टू का वैल्यू मिल जाएगा, ओमेगा टू मिल गया 44 रेडियन पर सेकंड, अगेन एंगुलर स्पीड है, रेडियन पर सेकंड में आएगा, राइट। ओमेगा वन मिल गया, ओमेगा टू मिल गया, अभी क्या निकालना है, अभी अपने को एफ सी वन एफ सी टू निकालना है, एफ सी वन और एफ सी टू हम लोग को मिल जाएगा। इसके लिए क्या करना है, डायरेक्टली फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करो, सब में पहले देखो एफ सी वन इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, एम ओमेगा वन स्क्वायर आर वन, देखो m मतलब स्मॉल m रहता है, मास ऑफ बॉल, कैपिटल m क्या होता है, मास ऑफ स्ल्यू होता है ना, मास ऑफ स्ल्यू दिया है क्या प्रॉब्लम में, नहीं दिया, मतलब मास ऑफ स्ल्यू क्या रहेगा, जीरो, है ना। तो कैपिटल m यहाँ पे दिया है क्या, मास ऑफ स्ल्यू नहीं दिया तो जीरो रहेगा। और फ्रिक्शनल फोर्स बोला है क्या, f मतलब क्या होता है ये, f f मतलब फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन ऑन द स्ल्यू, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द स्ल्यू का कोई जिक्र हुआ है क्या, फ्रिक्शनल फोर्स इतना न्यूटन है उतना न्यूटन है कुछ बोला है क्या प्रॉब्लम में, नहीं बोला है। तो इसका मीनिंग क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स भी निग्लेक्ट हो रहा है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या है, जीरो है, यहाँ पे कंसिडर करना है ना। तो कैपिटल एम जीरो एफ जीरो कंसिडर करना है, ना ये प्रॉब्लम में बताएगा नहीं, लेकिन नहीं दिया मतलब वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ओके, तो देखो अभी यहाँ पे इसके वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, स्मॉल एम की वैल्यू कितनी है 2kg, ओमेगा वन निकाला हम लोगों ने 41.9 इंटू ओमेगा वन का क्या है, स्क्वायर है, तो इसका हम लोग इसको ब्रैकेट में ले लो, इसको स्क्वायर कर दो, इंटू आर वन, आर वन की वैल्यू कितनी है, आर वन है 80 mm, लेकिन हम लोग किसमें पुट करेंगे, मीटर में, क्योंकि ये सब वैल्यू किसमें है, मीटर में, तो एफ सी वन अपने को न्यूटन में मिलेगा। ओके, मास अपना केजी में है तो ये मीटर में पुट करो 0.08। तो यहां से हम लोग को एफ सी वन का वैल्यू मिल जाएगा, देखते एफ सी वन का वैल्यू कितना आ गया, एफ सी वन का वैल्यू हम लोग को मिल गया है 281 newton, कितना मिल गया 281 newton, है ना, 281 newton मिल गया, ये हो गया हमारा एफ सी वन, राइट। अब ऐसे एफ सी टू निकाल लेंगे, तो एफ सी टू के लिए क्या करेंगे हम लोग, एफ सी टू के लिए एफ सी टू का फॉर्मूला लिखेंगे, है ना, और उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो देखो एफ सी टू क्या है फॉर्मूला, एम ओमेगा टू स्क्वायर इंटू आर टू, एम तो सेम रहेगा, मास ऑफ बॉल 2kg है ना, ओमेगा टू की वैल्यू चेंज हो जाएगी यहाँ पे, ओमेगा टू कितना है, ओमेगा टू 44 है शायद, है ना, 44, राइट, इसका स्क्वायर इंटू आर टू, आर टू है 120 mm, लेकिन पुट करना है मीटर में, मीटर में कितना है 0.12, यहां पे लिख दो 0.12। तो यहां से हम लोग को एफ सी टू की वैल्यू मिल जाएगी, देखो एफ सी टू का वैल्यू मिल गया हम लोग को 465 newton, कितना मिल गया 465 newton, राइट। देखो एफ सी वन मिल गया, एफ सी टू मिल गया, अब देखो एफ सी वन एफ सी टू मिल गया तो हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एस वन एस टू निकालना है और एच निकालना है, एस वन एस टू और एच मिलेगा तो फिर अपने को ये जो पहला पूछा है स्प्रिंग कॉन्स्टेंट वो मिल जाएगा, है ना, और उसके बाद इनिशियल कॉम्प्रेशन मिल जाएगा, है ना। अब एस वन एस टू के लिए क्या फॉर्मूला होगा, है ना, या फॉर्मूला कैसे चेंज होगा वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे, अभी नीचे वाला मैं मिटा देता हूँ, यहाँ वाला
ये वाली FC1 और FC2 की वैल्यू चाहिए हम लोग को अभी, है ना, बाकी वैल्यू नहीं चाहिए। समय पहले ये वाला बेसिक फॉर्मूला है हमारा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे F0 है, अपने प्रॉब्लम में F0 है और कैपिटल M भी 0 है, तो ये पूरा का पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो S प्लस ये क्या आएगा, ये कुछ भी नहीं आएगा, है ना। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2FC1, है ना, क्योंकि S1 है तो इधर 2FC1 आएगा, इनटू क्या रहेगा, X/Y, है ना। देखो कैपिटल M भी 0 है, F भी 0 है, प्रॉब्लम में दिया नहीं, इसलिए दोनों भी 0 है, 0 है तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। फॉर्मूला क्या हो जाएगा फिर, S1 इज इक्वल टू 2FC1 इंटू X/Y, है ना। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग को पता है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है, सेम है, है ना। अब एक्स और वाई की वैल्यू सेम है तो दोनों का जो डिवाइडेशन है वो क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। एक्स इज इक्वल टू वाई है, है ना। अब एक्स इज इक्वल टू वाई रहेगा तो एक्स बाय वाई की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। सपोज देखो एक्स की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू भी 10 रहेगी, 10 बाय 10 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, है ना। तो इसके लिए x by y का डिवाइडेशन क्या आएगा, 1 आएगा, इसका आंसर 1 आएगा। और 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो S1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, FC1 की वैल्यू कितनी है, 281 इंटू एक्स बाय वाई की वैल्यू क्या है, 1, है ना। तो देखो अब इसको कैलकुलेट कर लो तो यहां से हम लोग को S1 मिल जाएगा, इनिशियल लोड ऑन द स्प्रिंग कितना था वो मिल जाएगा, S1 की वैल्यू मिल गई 562 न्यूटन, 562 न्यूटन। अब ऐसे हम लोग क्या करेंगे, S2 की वैल्यू निकाल लेंगे। S2 के लिए भी क्या हो जाएगा, S2 के लिए भी फॉर्मूला देखो क्या हो जाएगा, 2FC2 इंटू एक्स बाय वाई, है ना। M और F क्या, ये दोनों जीरो है तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। सिर्फ क्या बचेगा, S इज इक्वल टू 2FC x/y। अब यहाँ पे भी x बाय वाई की वैल्यू क्या है, x इज इक्वल टू क्या है, y है, x इज इक्वल टू y है तो x बाय वाई का डिवाइडेशन क्या आएगा, 1 आएगा, है ना। तो यहाँ पे इनके वैल्यू पुट कर दो, 2 इंटू FC2 का वैल्यू कितना है, 465 इंटू 1, है ना। तो यहाँ पे हम लोग को S2 का वैल्यू मिल जाएगा 930, है ना, कितना मिल गया, 930। S2 इज इक्वल टू 930 न्यूटन। देखो S2 मिल गया, S1 मिल गया, अब क्या निकालना है, अब निकालना है अपने को H। अब H की वैल्यू चाहिए हम लोग को, H की वैल्यू कैसे निकालेंगे, H के वैल्यू के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है हमारे पास, H इज इक्वल टू रिलेशन है ना हमारे पास, ये क्या इतना बड़ा रिलेशन है, H इज इक्वल टू क्या है, H इज इक्वल टू है R2 माइनस R1 इंटू Y बाय X, है ना, राइट। अब देखो अब यहां पे Y और X दोनों के वैल्यू कैसे है, दोनों के वैल्यू है सेम, है ना। इनके वैल्यू यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग, क्योंकि इनको मिटाना पड़ेगा अपने FC1 और FC2। FC1 की वैल्यू आ गई हमारे S1 और S2 को, है ना। S1 की वैल्यू है 562 न्यूटन और S2 की वैल्यू है 930 न्यूटन, ओके। तो नीचे का मैं मिटा देता हूँ यहाँ पे, राइट। ओके अब यहां पे भी देखो, यहां पे भी क्या है, हम लोग को बोला है कि x और y की वैल्यू कैसी है, सेम है, इक्वल है। इसके लिए y बाय x बोलो या x बाय y बोलो, उसकी वैल्यू क्या आने वाली है, 1 आने वाली है। तो यहां पे h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2। r2 की वैल्यू कितनी है, मीटर में रख दो, कितना है, 0.12, है ना। r1 की वैल्यू कितनी है, r1 की वैल्यू है 0.08 इंटू क्या आ जाएगा, वाई बाय एक्स की वैल्यू कितनी, 1। तो यहां से हम लोग को H की वैल्यू मिल जाएगी, H मिल जाएगा हम लोग को मीटर में, कितना मिल गया, 0.04 मीटर या फिर 40 mm, है ना, ये H की वैल्यू मिल गई। अब H मिल गया हम लोग को तो अब क्या निकालना है, अब डायरेक्टली जो पूछा है वो निकालना है। क्या पूछा है, स्प्रिंग कांस्टेंट S पूछा है हम लोग को, है ना, स्मॉल S की वैल्यू, स्मॉल S इज इक्वल टू क्या रहेगा, कैपिटल S2 माइनस S1 अपॉन H। तो S2 कितना है, 930, S1 कितना है, 562,
और h की वैल्यू कितनी है मीटर में पुट करो यहाँ पे 0.04, यहाँ पे mm में नहीं पुट करना है, मीटर में पुट करना है। यहाँ पे स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग मिल जाएगा हम लोग को, कितना मिल गया 9। अब देखो ये जनरली है ना जो हमारा स्टिफनेस है, स्टिफनेस का जो यूनिट है, स्टिफनेस का यूनिट कैसे बताएगा, स्टिफनेस का यूनिट जनरली हम लोग एमएम के लिए गिनते हैं स्प्रिंग, क्योंकि स्प्रिंग छोटी होती है ना, छोटी छोटी स्प्रिंग होती है, कम मिनिमम लेंथ से मैक्सिमम लेंथ तक होती है, तो पर एमएम का स्टिफनेस हम लोग काउंट करते हैं। पर मीटर का स्टिफनेस बोलेंगे तो एक मीटर की इतनी बड़ी स्प्रिंग का स्टिफनेस काउंट करना, मतलब एक मीटर की इतनी लंबी स्प्रिंग जनरली नहीं होती ना, स्प्रिंग छोटे होते हैं, तो वो एमएम में काउंट करते हैं ना, तो एमएम में काउंट करते हैं, तो उसका जो जो वैल्यू है वो भी हम लोग को कैसे चाहिए, एमएम में चाहिए, न्यूटन पर एमएम। इसका यूनिट क्या है, न्यूटन पर मीटर है स्टैंडर्ड, तो इसको न्यूटन पर एमएम में हम लोग वैल्यू इसकी फाइंड आउट करते हैं, क्यों, क्योंकि पर एमएम का स्टिफनेस हम लोग को देखना पड़ता है स्मॉल वैल्यू पे ना। तो इसके लिए क्या होता है, जो एच रहेगा यहाँ पे, एच की वैल्यू अगर हम लोग मीटर में डालेंगे तो जो आंसर आएगा हमारा वो किसमें आएगा, न्यूटन पर मीटर में आएगा, है ना। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को पर एमएम में चाहिए, तो इसके लिए यहाँ पे एच की वैल्यू क्या करने का, एमएम में रखने का, है ना। तो एमएम में रखोगे तो यहाँ पे आपको जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, न्यूटन पर एमएम में मिलेगा, मतलब एक एमएम के लिए कितना स्टिफनेस है वो बता रहा है ये स्प्रिंग का, है ना। तो पर एमएम के वैल्यू हम लोग को यहाँ पे चाहिए रहती है ना, तो वो पर एमएम में कितनी मिल रही है, 9.2 न्यूटन पर एमएम। अगर आप यहाँ पे मीटर में भी रख दे तो वैल्यू, गलती समझो मीटर में रख दिया वैल्यू तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आंसर आ रहा है उसका यूनिट क्या लिखना, न्यूटन पर मीटर लिखना है, है ना, समझ में आ रहा है। ये मिल गया स्टिफनेस। अब देखो इनिशियल कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग क्या है, फॉर्मूला S1 upon S, अगर फाइनल कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग बोला तो S2 by S, तो S1 की वैल्यू कितनी है, S1 है हमारा 562 और S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू है 9.2। ये 9.2 किसमें, न्यूटन पर एमएम में है, 562 किसमें, न्यूटन में है। अब जो भी आंसर आएगा अपना वो किसमें आने वाला है, एमएम में, है ना, मीटर में आएगा क्या, नहीं आएगा, एमएम में आएगा। ओके, तो देखो कितना आ गया आंसर, आंसर मिल गया हमारा 61, तो डिवाइड करने का आंसर कितना मिल गया, 61 mm। देखो इनिशियल कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग इज 61 mm या फिर 0.061 मीटर, है ना। समझ में आया प्रॉब्लम, देखो एकदम सिंपल है, एकदम इजी है, फॉर्मूले याद होने चाहिए, किसको क्या बोलते हैं वो पता होना चाहिए, बस सिर्फ वैल्यू पुटअप करना है और आंसर निकालना है, 10 मार्क के लिए पूछता है प्रॉब्लम, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।